काफी फेमस शोरूम है लाइफस्टाइल। आपको यहाँ पे काफी अच्छे ब्रांड के कपड़े मिल जाएंगे। ये MGR टर्न है, जो यहाँ के CM थे ना, जो जयललिता जी को CM बनाया था इन्होंने। यहाँ के गवर्नमेंट ने रोड के साइड में ट्रैक बना दिया है, तो कि वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए काफी अच्छा है यहाँ का। ये आप ट्रैक देख सकते हैं, मतलब कोई भी ट्रैक 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लोग शाम को यहाँ पे वॉक करते हैं अपने विलेज से निकल के। तो ये मेरे को बहुत अच्छा एक लगा यहाँ के गवर्नमेंट का। अभी इतनी शानदार हवा चल रही है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फरवरी का मौसम है, 14th of February है। सो रोमांटिक, बड़ा अच्छा लग रहा है, गुदगुदी लग रहा है। देखो ये बच्चों के लिए झूले बोले, यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो लाइक दिस। यहाँ पे फुटे जो खेलते हैं ना, वो सिंबल ऑफ लव। देखिए वैलेंटाइन डे स्पेशल हार्ट शेप बलून, ओ आई जस्ट लव इट। इन्होंने सारे के सारे ले लिए। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट टेडीज मिल रहे हैं, सो क्यूट, बट मेरे को लेना नहीं है, वेस्ट है। और ये आ गए हम कैफे कॉफी डे CCD। तो आज का प्लान यहाँ पे है, फिर हम देखते हैं फिर आगे का क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही महंगी कॉफ़ी मिलती है, बट कोई खास टेस्ट होता नहीं है, बट एक ब्रांड है तो है। जैसे MBA चाय वाला है ना, वैसे ही CCD कैफे कॉफी डे, ये आपको एयरपोर्ट पे सब जगह मिल जाए। सो लेट्स सी। CCD से हम लोग चाय पी के निकल गए, बहुत ही वाहियात था। चाय पीने की कहीं अच्छी वाली जहाँ पे अपना मस्त चाय पीला। यहाँ पे फुचका मिल गया, और यूपी से है भैया। कहाँ से आप? यहाँ पे जितने भी फुचके वाले हैं वो यूपी से ही हैं, और बहुत ही शानदार तिलई नगर में फुचका बहुत ही टेस्टी मिलता है। कैसे खिलाते भैया? 10 रुपए के 6। चलो ठीक है, इनका टेस्ट करते फिर हम इनका रिव्यू देंगे। आप भी कभी आए थे यहाँ पे? क्या नाम है आपका? दीपचंद्र। वाह बहुत अच्छा नाम है आपका। चलिए अब हम फुचका खाने वाले हैं। तो मेरा फेवरेट है, मेरे हर लड़कियों का फेवरेट होगा, तो कमेंट में जरूर बताना कि किसका किसका फेवरेट है। ओके चल, ये जो चाय में स्वाद है ना, रोड साइड चाय, वो आपको कोई CCD में नहीं स्वाद आएगा। मिल गया बैलून वाला। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत कलरफुल गजरा मिलते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है बट कितना खूबसूरत है रोड, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ का तमिलनाडु का स्पेशल है जिगर ठंडा, ये गर्मी में लोग पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गुड मॉर्निंग, एक व्यूअर ने बोला था कि आपका चाय जो जैसे बनाते हैं ना, तो वो भी दिखाएं, तो फिर ठीक है चलो। ये दूध तो खोल ही गया जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ा फनी लग रहा है मुझे। और मैं चाय पत्ती डालना है एज यूजुअल, मैं ब्रुकबॉन्ड यूज करती हूँ। ये जो चाय जैसे कि उबल उबल के धीरे धीरे कम आंच में पत्ती का रंग घोलता है ना, फिर धीरे धीरे दूध में अपना सारा कलर छोड़ता है, आप देख रहे थे। और फिर धीमे आंच पे ये पकेगा, इसमें स्मेल आएगी, इसमें वो टेस्ट आएगा, फिर जो चाय बनती है ना, ओह आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देगी, इतना कामनेस होता है फिर शरीर में, लाइक यस रिलैक्स, चाहे माथा दर्द हो कुछ भी हो। ये देख रहे धीरे 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 करके ये जो उबाल आ रहा है, इसका मतलब वो पक रहा है, रिलैक्स हो रहा है, हमारे लिए और बेहतरीन चाय प्रिपेयर हो रही है, ना कि एक बार उबला दूध जैसी चाय दे दो, नहीं। ये देख, और ये मेरी चाय बन गई ये जो आवाज होती है ना, वो आवाज भी हमें एक माइंड सेट मतलब कराता है कि यस अब चाय बन गई। ये मेरी चाय बन गई है, वो भी मेरे फेवरेट कप में। ऑल यू नीड इज माई लव एंड कॉफी। और आपसे कुछ बातें भी करनी है, तो कल वैलेंटाइन डे था तो हम लोग गए थे, तो मैं इतनी फिर थक गई थी ना रात को कि मैं गुड नाइट कहना या फिर ब्लॉग को एंड करना, वो मेरे से नहीं हो पाया, आए बस एंड देन सो गए। हाँ तो मुझे ये बात करनी थी कि कल का व्लॉग मैं डालूंगी, आज वो अपलोड होगा, वैलेंटाइन डे स्पेशल। चलो बता दिया मैंने आपको टॉपिक। हाँ तो फिर मेरे से नहीं हो पाया कि मैं व्लॉग को एंड करूँ, गुड नाइट करूँ, जैसा कि बताया मैंने। तो बहुत ही अच्छा था, खास दिन था, मैंने आप लोगों के लिए वो मतलब प्लान किया कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, तो ये बहुत ही स्पेशल डे बनता है।
दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का. सब वैलेंटाइन डे इज नॉट अ रिलेशनशिप, इज अ नॉट अ फेस्टिवल वी शुड बी सेलिब्रेट बिटवीन द गर्ल एंड बॉय. व्हाई? इट इज अ डे ऑफ लव, सो वी कैन सेलिब्रेट विद एनी वन एल्स जिसे हम प्यार करते हैं. तो आप सबसे भी तो दोस्ती मेरी सब्सक्राइबर है मेरे यार, तो उनके लिए तो स्पेशल बनता है ना. सो तो अब मैं ब्लॉग इन कर रही हूँ और कल से मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो कल से मैं बहुत बिजी होने वाली, बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहेगा. एंड देन मैं कभी कॉलेज का व्लॉग भी डालूंगी कि मैंने कॉलेज टूर किया होगा. तो मेरे पास बहुत कंटेंट है जो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में ही बताया था. तो स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट कर किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कहाँ पे कुछ कमियां रह गई या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं. शुड यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं. तो मैं ब्लॉग इन कर रही हूँ. थैंक यू. खुश रहें, खुशियां बांटें. बाय.